हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रू ट्रेडर HR। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हमने अपनी एनालिसिस की थी और कैसे हमने ट्रेड बनाई थी। ये मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि मार्केट अगर इस लेवल पर आएगा तो कैसे वर्क करेगा, मतलब अगर इसके लेवल के नीचे आता है तो मार्केट यहाँ से डाउन साइड जा सकता है। वही हुआ, मार्केट ने जैसे उस लेवल को तोड़ा और मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ गई। और ये हमने एक प्रीवियस में एक लेवल हमने मार्क करना था जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जिसको हमने अपने चार्ट पर मार्क किया हुआ था। मार्केट हमारे इस स्पॉट पर बार बार आकर यहीं से मार्केट ने मतलब अपसाइड यहीं से गया था, तो इसको कैसे मार्क किया ये मैंने आपको दिखा दिया। तो अब हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर और वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कैसे हमने ट्रेड बनाया था। तो ये हम 5 मिनट के चार्ट पर यहाँ आए हैं और ये आप देख सकते हो, मैंने बोला था कि जैसे मार्केट इस लेवल पर आएगी सेम यहाँ पर हम ट्रेड बनाएंगे, तो वही हमने किया। ये हमारी मॉर्निंग की पहली ट्रेड थी जो हमने पुट साइड बनाई थी और इसमें हमने 1:3 का अपना टारगेट रखा था, मतलब 30 पॉइंट का हमारा SL था और 90 पॉइंट हमने टारगेट रखा था। तो ये हमारा हिट हुआ था फर्स्ट ट्रेड, इसमें हमारा ये फर्स्ट ट्रेड हिट हुआ था। और इसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया था कि कैसे मतलब मार्केट कहाँ से सेलिंग करेगी, ये कल वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे मैंने बता रखा है कि कैसे मार्केट में वर्क होगा। उसके बाद मार्केट में हमने कॉल साइड एक ट्रेड बनाया था, मतलब जो ये हमारा स्पोर्ट है, मार्केट यहीं बार बार स्पोर्ट लेकर यहीं से होल्ड करी थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक स्पोर्ट बना मतलब एक ट्रेड बनाया और उसका जो रिस्क था वो भी हमने कम रखा। और इसमें ऐसा इसको ट्रेड को बनाने का लॉजिक क्या था कि मार्केट में आप देखोगे कि प्रीवियस में भी यहाँ से मार्केट ऊपर गया था और उसके बाद नेक्स्ट डे भी मार्केट जब यहाँ पे आया तो गैप अप हुआ एंड बड़ा, उसके बाद नीचे आया, और तो चांस था कि आज भी मार्केट में ये मार्केट यहाँ से जा सकता है, पर इसलिए मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रही थी और इस पर इसलिए हमने यहाँ पे कॉल साइड एक ट्रेड बनाया और ये भी हमारा हिट हुआ। और ये हमने अपने रेजिस्टेंस तक इसको रखा था, मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस है वहाँ तक अपने टारगेट को रखा था और SL को हमने ये प्रीवियस की कैंडल तक रखा था। इस तरह से हमने निफ्टी के अंदर ये ट्रेड बनाया, बैंक निफ्टी के अंदर ये ट्रेड बनाया हुआ था, मतलब दो ट्रेड हमने बैंक निफ्टी के अंदर इसमें बनाई थी। और उसके बाद अब कल क्या कर सकते हैं मार्केट, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले मैं ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये बीच में फिर समझाया नहीं जाता, तो इसलिए मैं ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कल क्या हो सकता है मार्केट में। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि SL कहाँ पे है, तो ये बड़े टाइम फ्रेम पर जाके आप देख सकते हो कि SL कहाँ पे है। तो मार्केट क्या कर सकते हैं, मार्केट जो ये रजिस्टेंस है इसके डाउन साइड आके जो ये स्पोर्ट है यहाँ तक आए इसे तोड़े, तो मार्केट में जो प्रीवियस का स्पोर्ट है वहाँ तक मार्केट आ सकती है, मतलब यहाँ तक मार्केट के आने के चांस है क्योंकि SL भी यहीं पड़ा हुआ है। और अगर मार्केट ऐसा नहीं करती, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ऊपर जाके थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके फिर मार्केट दोबारा फिर से नीचे आ सकती है, क्योंकि मार्केट में जो ऊपर के टॉप के SL होंगे उनको मार्केट हिट करने के लिए नीचे आ सकती है। तो इस तरह से मार्केट वर्क कर सकती है। और अगर मार्केट में आई इन दो लेवल्स के बीच में रही तो यहाँ पर साइडवेज भी कर देगी, जैसे आज किया वैसे ही कल भी मार्केट यहाँ पर साइडवेज कर सकते हैं। इस तरह से मार्केट इसमें वर्क कर सकती है, मतलब कल के दिन मार्केट ऐसे वर्क कर सकती है इन इन लेवल्स पे, जो ये आपके सामने लेवल्स हैं इनके ऊपर आप मार्केट में वर्क कर सकते हो, क्योंकि ये हम टेलीग्राम पर सेंड कर देते हैं मार्केट में, आपको लेवल्स मार्क करने की टेंशन नहीं रहती, तो इसे भी आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने निफ्टी के चार्ट पे और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किस तरह से मार्केट में यहाँ पे वर्क होगा। तो ये आप देखो, मैंने यहाँ पे ये लेवल्स मार्क करके बताया और ये भी बताया कि अगर मार्केट में इस लेवल को तोड़ दिया तो मार्केट कहाँ जाएगी। आज मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा नहीं है, मतलब यहीं से ऊपर चली गई है, स्पोर्ट लेकर चली गई मार्केट यहाँ से ऊपर, क्योंकि उधर बैंक निफ्टी भी यहाँ से ऊपर गई है, तो इसलिए इस निफ्टी भी यहाँ से ऊपर चली गई। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कहाँ पर हमारी फर्स्ट ट्रेड बनती है। तो मैं फीवो का यूज़ करता हूँ यहाँ पे, फीवो के यूज़ पे हम देखेंगे 0.5 का लेवल कहाँ पे आ रहा है। तो हमने इसका एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क किया और जैसे हमने ये रेजिस्टेंस को यहाँ पे मार्क किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस निकल गया, या फिर एक आपका लेवल्स निकल गया यहाँ पे। और जब आपके लेवल्स निकल जाते हैं तो आपको उस लेवल पर ट्रेड करनी होती है। अब तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमने दो ट्रेड मारी इसमें, मतलब फर्स्ट ट्रेड में तो हमारा SL के पास चला गया था, दूसरी बार हमने यहाँ पे ट्रेड मारी तो वो हमारे SL तक गया पर हमारा SL हिट नहीं हुआ यहाँ पे। ये मैंने टेलीग्राम पर भी सेंड किया ट्रेड, ये ट्रेड रखी थी हमने और इसमें हमने ये जो स्पोर्ट है यहाँ तक इसको कैच किया, जो मतलब डाउन जहाँ से मार्केट ऊपर उठ रही है यहाँ तक हमने इसे कैच किया, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ये यहाँ तक हमने इसको कैच किया, टारगेट को अपने यहाँ तक लिया।
जहाँ पे हमारा स्पॉट है, यहाँ तक हमने टारगेट को रखा था। और इसमें मैंने बताया भी था कि अगर इस लेवल को तोड़ती है मार्केट तो नीचे जाएगी, अगर नहीं जा तोड़ती तो यहीं से ऊपर चल जाएगी। तो यहाँ पे हमने सेम एक कॉल साइड भी हमने ट्रेड बनाई थी, क्योंकि लेवल्स पर अच्छा था, तो यहाँ से हमने कॉल साइड एक ट्रेड बनाई। और जो ये रजिस्टेंस है, यहाँ तक हमने इसको रखा था, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे 50% का लेवल था, तो यहाँ से चांस है कि मार्केट नीचे आ सकती है। तो हमने यहाँ पे अपने इस टारगेट को एग्जिट कर, मतलब इस ट्रेड को यहाँ से एग्जिट कर दिया था। तो इस तरह से हमने यहाँ पे काम किया था, मतलब ऐसे हमने इसमें एनालिसिस की थी। ये हमारे निफ्टी का चार्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेम यहाँ पे वैसे ही वर्क हुआ। और ज़्यादा ओवर ट्रेड भी नहीं करते, दो ही ट्रेड हम लेते हैं निफ्टी के अंदर, दो बैंक निफ्टी के अंदर। तो इस तरह से ही काम करना चाहिए। अगर अब कल मार्केट क्या कर सकती है, अगर गैप अप दे तो मार्केट ऊपर से नीचे आएगी, और अगर गैप डाउन देती है तो मार्केट थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेगी नीचे, और फिर मार्केट में चांस है कि जो ऊपर गया से लेटा है ऐसा लेवल उनको हिट करे, और फिर यह मार्केट मतलब एंड पे आए। मतलब ये है कि ऐसा हिट करने के बाद फिर से मार्केट को नीचे आ सकती है, जो टॉप पे ऐसा लेवल उनको हिट करके मार्केट वापस से नीचे आ सकती है, ऐसे वर्क हो सकता है। ये हमारा टेलीग्राम है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी लेवल्स होते हैं वो हम सबसे पहले अपने टेलीग्राम पर सेंड करते हैं। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।